Welcome all to Off the Cuff. I am really excited about this interview. You all must have checked out the Cannes Film Festival that happened recently. It was a triple feat for Indian talent at the 2024 Cannes Film Festival, with Payal Kapadia's All We Imagine Is Light. Sunflowers were the first ones to know by Chidananda S. Nayak and Anusuya Sengupta of the Shameless fame, winning major awards in each of the three competitive sections at the prestigious gala. And today I have none other than Shaya Kadam here with me, who was part of two films that showcased at Cannes 2024 this year, All We Imagine as Light and Sister Midnight. So दो मूवीज में उनकी शोकेस हुई है. इट इज माई प्लेजर टू टॉक टू दिस वेरी इम्पैक्टफुल एक्ट्रेस हु इज हैविंग एन अमेजिंग ईयर विद बैक टू बैक सक्सेसेस. शी इज नन अदर देन द ओवरपावरिंग मंजू माई फ्रॉम लापता लेडीज, रश्मि बाई फ्रॉम गंगूबाई, कंचन कोमड़ी फ्रॉम मडगांव एक्सप्रेस एंड मनी मोर. तो आपका बहुत बहुत स्वागत है छाया जी ऑफ द कफ पे. थैंक यू बोलो बहुत बहुत मैं तो कहती हूँ कि आप एक्ट्रेस तो पहले से ही बहुत कमाल की हैं. अब दुनिया जान रही है कि आप हो यहाँ पर. तो पहले मुझे कुछ बताइए, क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं थोड़ी सी स्लो स्टार्टर हूँ, हर चीज मैंने लेट की है. तो आप बताइए, ये आपकी जर्नी शुरू से कैसी रही और फिर फिल्मों में कैसे आना हुआ? वैसे स्कूल और कॉलेज में मैं जो गैदरिंग हुआ करता था हाँ जी, उसमें पार्ट लेती थी, लेकिन ऐसे कुछ करियर इसमें करना है ये कुछ नहीं सोचा था। अच्छा, बस मैं स्कूल और कॉलेज में कबड्डी खेलती थी। ओके, यस, तो मैं स्टेट लेवल तक कबड्डी खेल चुकी हूँ। और उसके बाद 2001 में ऐसे ही फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हुए। एक ही साल में मेरे पिताजी और मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। तो उस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब थी। बहुत वो होता है ना कि एक ऐसे लगता है सब खत्म हो गया है, अभी कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। ऐसे मेरे साथ हुआ था। लेकिन कुछ दिन होने, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, लेकिन कुछ दिन होने के बाद फिर मुझे ऐसे लगने लगा यार इससे निकलना जरूरी है, अगर ये और कुछ ज्यादा दिन चला तो फिर मैं उससे निकल नहीं पाऊंगी। और ऐसे कुछ दिमाग में चल रहा था कि कैसे इससे निकलना है निकलना है, और थोड़ा आपको फिल्मी लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उस वक्त मैंने न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और न्यूज़पेपर में एक एड आया था। इंडिया में एक फेमस प्राध्यापक वामन केंद्रे है जो एक्टिंग वर्कशॉप लेते हैं, तो उनका एड आया था। तो मैंने वो पढ़ा और पता नहीं मुझे लगा कि ये वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, तो मैं घर से बाहर भी निकलूंगी, नए लोगों से मिलूंगी जिनको पता नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो ये सोच के मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन किया। लेकिन ज्वाइन करने के बाद है ना, मुझे वहां मजा आने लगा कि वो जो सर एक्सरसाइज लेते थे, फिर वो मुझे मजा आने लगा पता नहीं। और तब फिर मैंने सोचा यार ये मजा आ रहा है तो इसी में कुछ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगने लगा। और ये भी पता चला ना कि उससे पहले मुझे लगता था कि आपके चार पांच अच्छे फोटोग्राफ्स निकालो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप दिखने में अच्छे हो तो काम मिल जाता है, यानी इतना इजी लग रहा था। लेकिन जब मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन किया ना, तो मुझे पता चला कि यार ये इतना इजी नहीं है, तो खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। जैसे मैं ना कोकण से हूँ और मैं हाउसिंग बोर्ड में रहती थी ना, तो मेरे ना उच्चार सही नहीं थे, अभी भी बहुत सही नहीं है, लेकिन जैसे हमारे मराठी में दो न होते हैं, न और न, तो वो ओ भी मैं, यस, तो मैं वो भी गलत बोलती थी। लेकिन बहुत सालों तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं गलत उच्चार कर रही हूँ।
तो फिर वहां पता चला कि यार आपको आपके भाषा पे काम करना जरूरी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम जरूरी है, आपको पढ़ना जरूरी है। लोगों को लगता है कि एक्टिंग करनी है तो पढ़ना, पढ़ने में क्या क्या जरूरत है। तो ना फिर तभी पता चला कि यार इसपे तो बहुत मेहनत है, लेकिन वो मैं एंजॉय करने लगी और फिर सोचा कि इसी में कुछ करते हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसे है ना कि आपने कुछ सोचा और हो गया ऐसे नहीं होता है। तो मुझे कुछ करना है, करना है, काम ढूंढने में है ना 6 बरस चले गए। मैंने वर्कशॉप किया 2001 में और मैंने पहला प्ले किया 2006 में, 2006 में। हाँ तो या यस तो, और वो भी प्ले है उन्हीं सर ने डायरेक्ट किया हुआ था, डॉक्टर सॉरी प्राध्यापक वामन केंद्रे ने। तो फर्स्ट ब्रेक के लिए मुझे 6 साल वेट करना पड़ा। देखिए, आप तब तब के सोना बनी है, और मुझे तो लगता है एक्टिंग आप आपके लिए बनी है, आप जैसों के लिए, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे आती हैं तो आप सिर्फ आप छा जाती है। तो ये जो पहला कदम, आप छाया कदम आपने जो रखा है, वो बिल्कुल सही जगह आप आई हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप बने ही हैं, आप एक्टिंग के लिए ही बने हो। थैंक रियली रियली यू आर सो गुड, आप बहुत ही बेहतरीन और कमाल की एक्ट्रेस है। मैं तो कहती हूँ जो चुनिंदा कुछ इम्पैक्टफुल एक्ट्रेसेस होती हैं ना, उनमें से आप हो, एक हो। और मैंने थोड़ी टाइम पहले अमृता शाह, अमृता जी हैं जो कि मराठी एक्ट्रेस हैं, वो भी अमृता अमृता सुभाष, सुभाष, एग्जैक्टली, उनका भी इंटरव्यू हाँ था। हाँ तो वो भी छोटी पिटीट हैं, पर जब वो आती हैं तो इतनी स्ट्रॉन्ग एंड यू नो, यस वो मराठी हाँ का हाँ एक थिएटर बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहता है। तो यू नो, यू ऑल आर सो अमेजिंग, एंड जो अभी आप कमाल कर रही हैं हर मूवी में, वो तो बेहतरीन है। और देखिए, मुझे लगता है कि जहां पर जिंदगी आपको कुछ ठोकर देती है, दर्द देती है, उसी से ही आप आगे क्रिएटिविटी शायद अपनी बढ़ा सकते हो। बस हिम्मत। यस और मैंने जिंदगी में ऐसी बहुत ठोकरें खाई है लेकिन हर ठोकर के बाद अगर मुझे किसी ने संभाला है तो वो मेरा एक्टिंग का करियर बस। बिल्कुल, वो दिखता है हमें, पर बहुत अच्छा है कि आपने अपने आप को संभाला है, एक औरत होने के नाते, जहां पर कितनी सारी चीजें और यू नो हमको फेस करनी होती हैं, कि यू नो समाज क्या कहेगा, या हमको कैसे रहना है, कैसे उसको आपने यू नो एक ओवरकम किया, मैं तो कहती हूँ। और आप आगे बढ़ती चली जाएं, बस यही उम्मीद है मेरी तो। पर अब मैं देख रही थी आपकी इतनी सारी सुंदर पिक्चर्स कैन फिल्म फेस्टिवल से, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आप पूरी टीम को, यू नो एज ऑल वी इमेजिन एज लाइट, और ऑल सारी ये यू नो आप ऑल ऑल वेमेन टीम, आई से पायल कपाडिया एंड ऑल, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए, कैन का एक्सपीरियंस बताइए, 30 साल बाद एक हिंदुस्तानी फिल्म वहां पर यू नो ग्रैंड प्री अवार्ड के लिए मिला है और जीती हैं, तो उसके बारे में बताइए कि कैसा रहा। पहले तो पायल के बारे में बताना चाहूंगी। जब पहली बार मुझे फोन आया था कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मिलना है, तो पायल के बारे में वैसे पहले मैंने सुना था, लेकिन प्रोजेक्ट के बाद फिर मैंने और जानकारी निकाली। तो पायल इतनी होशियार लड़की है, ऑलरेडी उसको कांस में गोल्डन आई मिल चुका है। हाँ तो और जितने जन से मैंने सुना है तो वो उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। और फिर मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी या सुनी, वो इतनी हटके थी, यानी उसने लिखी ही इतनी कमाल थी। तो फिर तभी मुझे लगा कि भाई ये तो करनी ही पड़ेगी। यानी उसने 6 साल रिसर्च किया है, ऐसे ही नहीं कि चलो भाई फिल्म करते हैं,
लगा और फटाक से शुरू की तो वैसे नहीं है, उसने 6 साल उसके ऊपर काम किया है। तो वो होता है ना, पहले ही बार सुनते ही हमें लगता है कि ये आगे जाके कुछ तो कमाल करने वाली है, तो उसने कमाल किया, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा धमाल हो गया। यस। और ना एक और था कि इस टीम में ना, जैसे हम लोग स्टेज पे चार औरतें आपको दिख रही थी ना, बिल्कुल तो यस, तो अपने आप में वो ना इतना पावरफुल इमेज हमको खुद को लग रहा था ना। तो वैसे ही ना टीम में भी बहुत लड़कियां थी, हर डिपार्टमेंट में, वाह कैमरा डिपार्टमेंट, फिर आर्ट डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम, सब में लड़कियां हम लोग ज्यादा थी। तो वो एक अलग एक खुशी होती, पता नहीं एक होता है ना औरतों को, अरे अपनी टीम है हमको देख वैसे। के खुशी हुई बिकॉज इतनी हाँ ज्यादा औरतें फिल्म लाइन में आए, वैसे ही स्टोरीज भी बनाए तो और खुशी होती है, क्योंकि बहुत कम है जो कि औरतें डायरेक्ट करती हैं या और चीजों में वो करती हैं। तो ये तो बेहद खुशी की बात है कि वुमेन नैरेटिव्स आर कमिंग टू द फोर ग्लोबली, आई हैव टू से। और सबसे ज्यादा खुशी तो आपको देख के लगी, जो आपने, क्योंकि कान फिल्म फेस्टिवल इज आल्सो, फिल्म्स तो है ही है, इट्स आल्सो अबाउट फैशन। तो वो हाँ बताइए आपने कैसे तैयारी की कि मैं क्या पहनूंगी, बिकॉज यू यू ऑल लुक्ड मार्वलस एंड यू लुक्ड अमेजिंग, क्योंकि आपने बहुत एथनिक क्लोथ्स पहने थे, कुछ बताइए उसके बारे में। हाँ यस, जब ये सब हमें पता चला कि कांस को फिल्म सिलेक्ट हुई है, बहुत खुशी हुई। लेकिन ना मैंने जो आज तक देखा था या सुना था, कांस फिल्म फेस्टिवल यानी पहली बात होती है फैशन की। हाँ, दैट इज बैड एक्चुअली। कांस फिल्म फेस्टिवल यानी कुछ यहाँ की, यहाँ इलैबोरेट सा बड़ी कुछ बड़ी पहना एक्ट्रेस हो या क्या। एक्ट्रेस और वो गाउन जिसको संभालते हुए 4-5 जन खड़े होते हैं, देन ऐसे हील, हाँ और आपको बस ऐसे कि हो गए हम कहीं, ऐसे आपको ये इस इमोशन में चलना है। तो वो ही सब दिमाग में आया था। फिर और जिनको मैं दोस्तों को बोलती थी तो वो लोग भी, अरे कांस यानी उनको भी ऐसे कि वाओ तुझे गाउन पहनना गाउन पड़े। पहन। और मैं सब इस बारे में ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है मेरा कि कुछ तो फटाक से जो मिला पहन लो और निकलो, लेकिन पता नहीं इस बार मुझे ऐसे लगा कि अगर कांस फेस्टिवल अटेंड करना ही है तो फिर यार जरा काम करेंगे खुद के ऊपर। तो फिर मैंने भी फिर एक स्टाइलिस्ट चुनी जिसका नाम है नेहा चौधरी, अच्छा बहुत ही यस बहुत ही कमाल की है वो लड़की। तो फर्स्ट मीटिंग में ही मैंने उनको बोला कि मुझे अच्छा भी दिखना है, मुझे अलग भी दिखना है, और वेस्टर्न भी चाहिए लेकिन उसमें मुझे मेरा अपनापन चाहिए कुछ, क्या बात है। तो और मैं कंफर्टेबल भी महसूस होना चाहिए इसमें। बिल्कुल तो बोला भाई अभी तू देख ले क्या करना है। तो फिर कुछ मेरे दिमाग का कुछ उनके दिमाग का ऐसे मिलके ये जो बना, और उन लोगों को बहुत पसंद भी आया। और लेकिन जो उसके ऊपर 4 चांद लगाए, जो पूरे कांस फिल्म फेस्टिवल में जिसकी तारीफ हुई, वो मेरे नाक में जो नथनी, यस, वो नथ बिल्कुल मराठी महाराष्ट्रियन लुक। थी। हाँ, तो वो नथ है ना मेरे माँ की है, उसकी शादी के वक्त उसने पहनी थी। तो और फिर वो साड़ी तो भी मेरा, आपने, साड़ी भी आपकी हाँ माँ की थी, आपने जो साड़ी पहनी थी। यस, फर्स्ट डे जो साड़ी मैंने पहनी थी वो मेरी मम्मी की साड़ी थी, हालांकि वो पहन नहीं पाई, वो साड़ी मेरी फ्रेंड ने उनको दी थी और वो पहन यानी रह गया, और मेरी माँ अभी अगस्त में चली गई छोड़ के, तो फिर वो साड़ी वैसे ही थी। और मेरी माँ को है ना मैं फ्लाइट से घुमा नहीं पाई, मेरी बहुत इच्छा थी पहले घुमा नहीं पाई, वो बोलते हैं ना बाद में जाते हैं कभी, ऐसे करके वो रह गया।
और फिर उसकी बीमारी की वजह से फिर उसके बाद ऐसे कभी हुआ नहीं लेके जाना, और फिर वो चली गई और मेरा ऐसे हुआ यार फ्लाइट से घुमाना चाहिए था माँ को। तो फिर उस दिन ऐसे लगा कि चलो माँ नहीं लेकिन मुझे माँ को लेके जाना है। तो फिर वो माँ की साड़ी और उसकी नथ मैं लेके गई, और पहले दिन वो साड़ी और नथ पहन के मैं पूरा कांस फेस्टिवल घूम रही थी। हाँ और आप माँ जरूर आपके साथ होगी, आप उनकी दुआएं हमेशा उन आपके साथ यस हमेशा रहेंगी। और व्हाट अ नाइस गेस्चर। और आई नो जो आपने लहंगा भी पहना था वो भी रंगकट वीव होता है वो बनारस का ना, जो यस वो यस लहंगा भी बहुत सुंदर था, और उसके ऊपर आपने जो शर्ट एंड कोट पहन के वो जैकेट। बहुत अच्छा। तो आप तो छा गई और वहां पर आप सब ने डांस किया और लग रहा था, और हमको बहुत ही, वी फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आई जस्ट होप कि आप सब बस ऐसे ही काम करते रहे, और बस जैसे पायल ने भी, जब आप कह रहे हैं कि इतना रिसर्च की है और शायद उनको 5 साल लगे ये मूवी बनाने में, और यस आपने बताया था कि वो बहुत सारे रीटेक्स लेती हैं कि भाई इस तरह से कर कीजिए, तो वो आई एम श्योर वो उसका मेहनत रंग लाई है और आप सबकी मेहनत रंग लाई है। सो यस कंग्रेचुलेशंस, थैंक कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। पर अब मैं यू। Shosha is a creative Indian restaurant located in the heart of Silicon Valley. Shosha is a woman-owned business that serves traditional Indian flavors assimilated with molecular gastronomy techniques. The best Indian bar with happy hours in the Bay Area serves handcrafted drinks inspired by flavors from India with modern craft cocktails that are presented in unique ways. Shosha is a modern take on traditional Indian cuisine. We specialize in corporate luncheon, anniversary celebrations, birthday parties, and catering. Do check us out for a memorable modern Indian dining experience. Shosha is located at 141 South Murphy Avenue in Sunnyvale, California. Motto is Atithi Devo Bhava. That means guest is like God, and that is how we treat all our guests. So please come and check us out. Thank you.